एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जसलीन कौर एंड आज मैं जा रही हूँ एक बहुत एक स्पेशल कुछ आया है इंडिया से, एक पार्सल वो रिसीव करने जा रही हूँ। एंड किसने भेजा है एंड क्या है उस पार्सल में वो तो आपको थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। सो अभी निकलते हैं क्योंकि जहाँ जाना है वो रास्ता बहुत लंबा है, मतलब काफ़ी टाइम है उसमें। सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1.5 आवर। सो अभी निकलते हैं फटाफट से, अभी 5 बज रहे हैं बट आप देख लो कैसा हाल हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि रात हो गई है। सो लेट्स गो। एंड मेरे साथ ये भी है, ऑब्वियसली करण तो चले गए साथ, इतनी देर तो मैं बोर हो जाऊंगी। और अभी चलते हैं, निकलते हैं एंड रास्ते में मैं आपको दिखाती जाऊंगी रोज एंड वो व्यूज एंड ऑल। सो लेट्स गो। मैं अपनी मामी के घर आई हूँ, वो रही मैं आपको दिखाती हूँ। एंड कुछ आया इंडिया से तो मैं वो लेने आई हूँ। कैसे हो? सामने सामने देख के भी आपने इग्नोर कर दिया मुझे। नहीं मैंने देखा नहीं, हमने मैंने भी देखा कि यहाँ पे कोई बात कर रहा है फोन पे, मुझे ऐसा लगा कि शायद आप हो गए। वापस आए हो? इमोशनल हो? पर वही है, लाइट नहीं है ना, लैंप लगा रखा था, लैंप हटा दिया। मैं छोड़ दूंगा क्योंकि मेरे को लगता नहीं वर्थ इट है क्योंकि काम पड़ेगा। तो सेम मैंने जब मटर पनीर बनाया था तो मैं मटर पनीर बनाया और मैंने देखा उसमें कि जब मैं बना के गई थी ना तब वो एकदम सॉफ्ट था, जब मैं आई हूँ मैंने रोटी फुलके उतारे मैंने, इसने मेरे को बोला कहता है ये इतना हार्ड क्यों है। मैंने कहा यार इसको मेरे को दोबारा गर्म करना पड़ेगा और पानी डाल के। नहीं वो तो है पनीर बहुत गंदा है। या तो घर सीरियस सिचुएशन थी, मतलब मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा था, ऊपर से जो सामने लोग बैठे थे वो कभी आगे हो कभी पीछे हो, कभी सीधे करी जाए तो भाई बाबा जाग खुली जाए, मेरे को तो मतलब इतना वो नहीं लगा, मैदान नहीं था मेरा। पर अगर मेरे को अगर रहना पड़ता कैर में तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि वहाँ पे आप आराम से हाँ बैठ रहे हो, आराम से घूम रहे हो वहाँ पे और दोस्त बना रहे हो। यहाँ तो दोस्त आ नहीं, सीट में से साथ पहले अंकल बैठे थे फिर बाद में एक आंटी बैठ गई थी साथ में, तो उनके साथ क्या एडवेंचर करता हूँ। मेरे तो सारे चुका है। गाइस अब हम जा रहे हैं वापस एंड जो सामान आया था वो रख लिया है अपने पास, बट उसमें से क्या क्या आया वो मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। एंड बाकी जो एक्सपीरियंस रहा है यहाँ आने का, मामी से मिलने का, वो सब मैं आपको बताऊंगी, पर बहुत अच्छा रहा एंड रियली फेल्ट गुड क्योंकि इतने टाइम बाद किसी अपने को मिलके बहुत अच्छा लगता है और वो एक इंडिया वाली फील आती है। सो इट वॉज रियली गुड। एंड अब हम निकल रहे हैं कि ज़्यादा लेट नहीं करना है एंड उसके बाद फिर आज हम जाएंगे अपनी फेवरेट प्लेस चर्च पे और चलते हैं। देखे यार ये मिठाई खाना इसका शुरू भी कर दिया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे हैं। आजा तुम भी दिखाता हूं क्या लेके आए। सो आप देख सकते हो ये मिठाई भेजी है, मेरी फेवरेट काजू कतली है, बर्फी भी है। बर्फी गन की फेवरेट काजू कतली में इंडिया की टेस्ट की बात ही कुछ और है। थैंक यू सो मच मम्मी, थैंक यू सो मच बुआ, थैंक यू सो मच पापा और स्कूबी और कैस्पर को भी। और अभी और भी चीजें आई हैं, थोड़े क्लोथ्स भी हैं एंड आई थिंक मम्मी ने पिनिया भी भेजी हैं। सो उसकी फोटो मैं आपको घर में, मतलब उसका वीडियो मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ। अभी हम निकलते हैं। सो गाइस अब हम जा रहे हैं चर्चेस। यहाँ से अपना 10 मिनट तो है ना। सो गाइस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, हमने ऑर्डर कर दिया है जो हम यूजुअली खाते हैं। क्या खाते हैं? मैक्सिकाना रैप
2-piece chicken, jalapeno bombers. अच्छा इतना कुछ हम रेगुलरली खाते हैं, मतलब यूजुअली यहाँ आके खाते हैं. रहा मैं कैसी लग रही हूँ इनके साथ आई है अपने को खाने के लिए? मैं किसी के साथ नहीं आती. आई डोंट हैव कैसा लग रहा है आपको ऑर्डर करके? अभी तो ठीक लग रहा है. कैसा लग रहा है आपको पैसे भूख हमारे या पता नहीं, एक बार पूछ लो, एक बार कंफर्म कर लियो. ठंडी तो जैकेट बहुत अच्छी है. कौन से? जो हुडी जो यहाँ से मैं कोई बता, बिल्कुल ठंड नहीं. ये वो फर फुर वाली है ना, तो इसलिए जैकेट में भी ठंड लग रही है. बिल्कुल ठंड नहीं. लड़कियों के कपड़े कहाँ ऐसे होते हैं भाई. राम दुलारी कैसी हो? हम घर आ चुके हैं विद ऑल द सामान एंड गोरा हमारा खाना. फटाफट जाके खाना खाएंगे, भूख लग रही है. तो गाइस यहाँ पे अब हम अपना डिनर स्टार्ट करने वाले हैं और मैंने मूवी लगा ली है मिशन मजनू. एंड ये रहा हमारा खाना, सब हम शुरू करने वाले हैं. ऐसा ना हम बच्चों को बोलते हैं उनको इनकरेज करने के लिए ताकि वो खाना खाए जब वो नहीं खाते. बट इट डजंट मेक एनी डिफरेंस क्योंकि जब उनको नहीं खाना होता है तो वो नहीं भी खाते, जस्ट लाइक अस. तो पेट में होता है अच्छा है ना. अभी मैंने सिर्फ चेंज किया है, अभी मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया और अभी मुझे आपको दिखाना भी है कि मैं और क्या क्या लाई हूँ, मतलब और मम्मा ने क्या क्या भेजा है. सो मैं आपको खा के फिर दिखाती हूँ. सो पीपल अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी ने क्या क्या भेजा है. सो पहले तो मैंने भेजी है स्वीट्स जो कि यहाँ पर तो मिलती नहीं इतनी अच्छी. सो मैं आपको दिखा देती हूँ. आई थिंक मैंने आपको कार में भी दिखा दिया था. तो उन्होंने भेजी है काजू कतली और ये बर्फ़ी. बर्फ़ी जो है वो मेरे भाई को बहुत पसंद है, फेवरेट है उसकी. और जो काजू कतली है वो मेरी फेवरेट है. सेम टेस्ट एंड कुलचा. ये उन्होंने पिनियाँ बना के भेजी हैं, उन्होंने खुद बनाई है. एंड मैंने अब तक टेस्ट भी नहीं की, करण ने तो खा भी लिए. इसमें वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग जो मैं बता नहीं सकती हूँ ऐसे. बट लाइक यू ऐसे बोलते ना कि इसमें वो घर वाली फीलिंग है. इट फील्स लाइक होम. और वैसी वाली वो एक वैसी वाली खुशबू है. हाँ
सॉरी गाइस, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, सो मैंने वीडियो कट कर दिया. सो ये भेजा है मम्मा ने, थैंक यू मम्मा अगेन. एंड बुआ ने भी बनाया था साथ में, तो थैंक यू बुआ, और पापा को भी, सबको थैंक यू. एंड दो तीन चीज़ें और भेजी हैं, और सूट भेजा है मम्मा ने, मैं आपको दिखा देती हूँ. क्या हुआ, नहीं डली? यस, करण का कोई कुर्ता है, क्योंकि सो एक्चुअली देयर इज़ अ वेडिंग दैट शायद हम लोग अटेंड करेंगे इन समर, लाइक अप्रैल में. सो उसके लिए, मतलब वो यहीं पे है वेडिंग, सो उसके लिए मम्मा ने भेजे हैं ये क्लोथ्स के, यू नो, क्योंकि मुझे यहाँ से लेना नहीं था कोई भी सूट एंड ऑल, एंड मेरे पास कोई ऐसा फैंसी सूट में हैवी सूट नहीं लेके आई थी अपने साथ, तो इसलिए उन्होंने भेज दिया. तो ये जो है, ये तो आई थिंक कोई करंट का कुर्ता है शायद, है ना, कुर्ता है. और ये जो है, ये मेरा सूट है जो कि बहुत अच्छा कलर है, मुझे ये वाला कलर बहुत पसंद है, और मैंने अभी खोल के नहीं देखा, और मैं खोल के आपको भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब मैं पहनूंगी तब आप लोग देखोगे. बट आई रियली लव द कलर, और इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और आई नो कि ये बहुत भरा भरा नहीं होगा, क्योंकि मम्मी को पता है मैं बहुत ज़्यादा ओवर टैकी काइंड ऑफ क्लोथ्स आई डोंट लाइक, और तो ये अच्छा है, इसका कलर बहुत प्यारा लगा मुझे. सो ये थैंक यू मम्मा. एंड एक मम्मी ने ये भेजा है मुझे सूट, ये भी सूट है, बट ये थोड़ा डार्क, बहुत डार्क ग्रीन, थोड़ा ब्लूइश सा है, ये भी अच्छा कलर है. और ये, इसकी मैंने फ़ोटो देखी हुई है, वो मैंने नहीं देखा था, सो वो मुझे बहुत प्यारा लगा. इसकी मैंने फ़ोटो पहले देखी हुई है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी सटल, पर अच्छा है, मतलब बहुत. इसका अभी मैंने ट्राई भी नहीं किया है, और मैं अभी करूँगी भी नहीं, अभी एक दो दिन बाद, पर मैं दिखाऊँगी नहीं आप लोगों को, आप तभी देखोगे जब मैं इसको लाइक जब मैं प्रॉपरली तैयार होकर पहनूंगी इसको. सो यार, ये सब चीज़ें भेजी हैं, और थोड़ी सी मेडिसिन भी भेजी है उन लोगों ने, जो मतलब हम लोग यूजुअली खाते थे, मतलब जो हमारी बॉडी को सूट करती है. सो थोड़ी सी वो मेडिसिन भेजी है. एंड करण के जो वो एयर में पहनता है वो बाली होती है, आई डोंट नो, नतियाँ, आई डोंट नो व्हाट इज इट, वो भेजी है. सो या दैट्स ऑल. एंड बहुत अच्छा लगा. ऑल्सो मामी के भी घर पे गए थे, तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा, एक अपनी वाली फीलिंग आई बहुत दिनों बाद किसी, यू नो, अपने रिलेटिव से मिलके. जैसे हम इंडिया में जाते होते हैं घरों में, मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं, सो इट फील्स गुड, यू नो, एक वो वाली वाइब आई. और जब मैंने वो, जब मम्मी ने पिनिया भेजी वो खाई, तो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि मैं अपने घर पे ही बैठी हूँ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और खा रही हूँ, और साथ साथ में, क्योंकि वहाँ पे ऐसा होता था कि या तो मतलब हम लोग जैसे जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल पिन्नी नहीं बनाते, तो वो नॉर्मल वो बेसन होता है, कई लोग ऐसे भी उसको एक कंटेनर में रख लेते हैं, तो हम खाया करते थे यू नो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क और साथ में वो. सो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग है, बिल्कुल होमली फीलिंग आई. सो थैंक यू भेजने के लिए. एंड आई नो ऐसा होता है, बहुत सारे टाइम्स मिस करते हैं, बट आई थिंक ये टाइम भी बहुत जल्दी हो जाएगा पास, और बहुत जल्दी वो टाइम भी आएगा जब सब साथ होंगे. बट ठीक है, दिस इज लाइफ. सो ये था आज का व्लॉग गाइज, एंड आई होप यू गाइज लाइक द व्लॉग. एंड अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, कोई भी चीज़ व्लॉग की अच्छी लगी हो पर्टिक्युलर, या नहीं भी, या इन होल आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, सो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, एंड इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू. एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, और तब तक यू नो द ड्रिल, खुश रहे, मेरे व्लॉग देखते रहे, अपना ध्यान रखे, और मुझे मिस करते रहे. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.